नमस्कार मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पुलिस को शर्मसार करने वाले आरपीएस हीरालाल सैनी का एक और घिनौना वीडियो सामने आया है। करीब ढाई मिनट के इस वीडियो में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। 6 साल के मासूम के साथ भी हीरालाल अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में पहले कॉन्स्टेबल और हीरालाल दोनों अश्लील हरकत कर रहे हैं, इसके बाद बच्चे से भी ऐसा ही करवा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हीरालाल सैनी को गुरुवार को उदयपुर के एक रिसोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। खबर तो यह भी आ रही है आरपीएस हीरालाल सैनी को अब बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। दरअसल महिला कांस्टेबल बार बार मोबाइल की ओर देख रही है। ऐसा लग रहा है कि वीडियो को दोनों की सहमति से बनाया गया है और बेशर्मी की हदें तो तब पार हो गई जब वीडियो बनने के बाद महिला कांस्टेबल ने खुद स्टेटस पर लगा दिया था। महिला कांस्टेबल के पति ने वीडियो देखने के बाद नागौर जिले के चितावा थाने में शिकायत भी दर्ज की थी। कई दिनों तक थाना अधिकारी ने दबाव में आकर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की और अब खबर आ रही है वीडियो में दिख रही महिला कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया है। वह जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थी। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में अब जल्द ही बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 850 किलोमीटर लंबे ट्रैक में करीब 657 किलोमीटर का ट्रैक प्रदेश के 7 जिले जैसे अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कवायद तेज हो गई है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। यानी कि आने वाले दिनों में जल्द ही राजस्थान में भी अब बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। रेलवे से जुड़ी ही एक और बड़ी अपडेट, रेलवे ने त्योहारों के चलते स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली में यात्री आसानी से अपने घर पहुंच सके, इसलिए दुर्ग अजमेर दुर्ग और दुर्ग जम्मू तवी दुर्ग साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने निर्णय लिया है, जिससे छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को इस सप्ताह 2 नई स्पेशल ट्रेनों की सुविधा मिलने वाली है। एक और बड़ी खबर, लोक देवता बाबा रामदेव के 637वें भादवा मेले के आयोजन के स्थगित होने के साथ ही रामदेवरा में मेले के दौरान होने वाले कई बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी है, जिसके बाद कई लोगों में मायूसी छा गई है क्योंकि मेले के दौरान 50 लाख से अधिक श्रद्धालु रामदेवरा दर्शन को आते हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते रामदेवरा मेले को स्थगित करने का फैसला किया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बाड़मेर में शुक्रवार देर रात कुशल वाटिका से पहले गोलाई में रोडवेज बस व बोलेरो की भिड़ंत में 4 महिलाओं की मौत की खबर। 10 लोग घायल हो गए हैं। बोलेरो और बस में भिड़ंत इतनी तेज थी कि बोलेरो का पीछे का हिस्सा करीब 250 फीट दूर जाकर गिरा और बाकी हिस्सा पेड़ में जा घुसा। सूचना आ रही है कि शुक्रवार की रात को सुदाबेरी निवासी बोलेरो कैंपर से लोहावट से वापस अपने गांव जा रहे थे। बोलेरो कैंपर में बच्चे और महिलाओं सहित 18 लोग सवार थे, जिनमें 4 महिलाओं की मौत की खबर है। राजस्थान की अगली बड़ी अपडेट, नई भर्तियां निकालने और लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश के बेरोजगार राजधानी जयपुर पहुँच गए। उन्होंने 22 गोदाम पुलिया के सामने धरना देकर अपनी ताकत दिखाई। सुबह से दोपहर तक बड़ी संख्या में बेरोजगार पहुँचे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में हुए इस पड़ाव में अलग अलग भर्तियों से जुड़े बेरोजगार और संगठन अपने अपने बैनर पोस्टर लेकर यहां पहुंचे। हालांकि बेरोजगारों का ये धरना एक ही दिन में स्थगित हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत के स्पेशल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी से बातचीत के बाद प्रदेश के बेरोजगारों ने धरना स्थगित कर दिया है। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक सिरोही, संबंध, उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, दौसा 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बीकानेर जिले के भी कई क्षेत्रों में काफी अच्छी बारिश दर्ज की गई और आज भी पश्चिमी राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर सहित कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।